अंग्रेजी में एक बात कही गई है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, यानी कि जो चीज आपके पास नहीं है उसे कहीं ज्यादा मायने रखती है वो चीज, वो अनुभव, वो भावनाएं जो अभी आपके पास है। लेकिन ये बात शायद मैं उस दिन भूल चुका था। जिस तरह जीत की कीमत जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले को होती है, उसी तरह हार का डर भी हारने वाले से ज्यादा जीतने वाले को ही सताता है। मैं शायद थोड़ा खुदकिस्मत था कि जिंदगी ने मुझे हार से ज्यादा जीत से मिलाया था। बहरहाल उस दिन की बात कुछ और थी, क्योंकि उस रोज असफलता ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी थी। शायद इसीलिए मन परेशान था मेरा। फिर क्या, मैंने अपनी साइकिल उठाई और चल पड़ा खुशी शांति की तलाश में। वैसे ये कोई लड़कियों के नाम नहीं, आई वॉज इन सर्च ऑफ पीस। बात रही उस साइकिल की तो मैं 21 साल का हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बाइक से ज्यादा साइकिल चलाना ही पसंद था। कहीं यादें जुड़ी हुई है उस साइकिल से मेरी। याद है जब हम छोटे थे तब साइकिल लेने के लिए पापा से किस तरह जिद किया करते थे। छोटी छोटी बातों में हम उस वक्त खुश हुआ करते थे। गिरते हम उस वक्त भी थे, लेकिन गिरने की वजह से लगी हुई इस चोट से रोने के बजाय फिर से उठकर उन्हीं दोस्तों के साथ खेलने लगते थे। याद तो मुझे उस दिन भी था कि ये भी एक दिन है, ये भी एक दौर है जो गुजर जाएगा, जीत का वो सूरज फिर से निकलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मन मान नहीं रहा था मेरा। उस दिन भी मैं वही जगह गया जहां मैं अक्सर जाया करता था। वहां जाके मुझे खुशी से ज्यादा सुकून महसूस होता था, और उस वक्त सुकून की तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वेल बेसिकली इट्स अ टेम्पल विद अ ग्रेट व्यू ऑफ रिवर फ्रंट। वहां मैं सबसे पहले मेरे दादा के साथ ही गया था, शायद इसीलिए वो मेरा स्पेशल प्लेस था। वहां बहती हुई उस ठंडी हवा की सरसराहट, नदी में बहता हुआ वो शांत पानी, ढलते हुए सूरज की वजह से आसमान में चढ़ा हुआ वो केसरिया रंग मुझे अपने ही आप में होने का एहसास करवाता था। वो वक्त भी शाम का था, तो घर लौटते हुए वो पंछी जो मुझे जानते थे, पहचानते थे, जिनको मेरा हंसा हुआ चेहरा देखने की आदत सी थी, उस दिन वो भी आसमान में बार बार चक्कर लगा रहे थे, मानो मेरी उस खोई हुई हंसी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन न जाने क्यों उस रोज वो पंछी, वो हवा, वो पानी का शांत बहाव, ढलता हुआ वो सूरज, यहाँ तक कि वो छोटे छोटे फूल जिनको मैं अक्सर देख कर कुछ सोचा करता था, वो भी मेरी हंसी को वापस लाने में नाकामयाब रहे थे। मैं अपने आप से हार कर वहां से जाने ही वाला था कि एक बच्चे की रोने की आवाज मुझे सुनाई दी। मैंने भी ज्यादा कुछ सोचे बिना बच्चे की माँ से पूछ ही लिया कि बच्चा क्यों रो रहा है, और उन्होंने भी बड़ी सहजता से मुझे बता दिया कि बच्चे के पापा बाजार कुछ काम से गए हैं, बच्चे को उनके साथ जाना था लेकिन पापा ने मना कर दिया, तो बच्चा तब से रोया जा रहा है। वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे सिर्फ एक टॉफी देने की वजह से बच्चा चुप होगा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, जेब में पड़ी हुई उस इकलौती टॉफी को निकाला और बच्चे के हाथ में थमा दिया, और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में बच्चा चुप हो गया। उस वक्त मेरे दादा की कही हुई एक बात मुझे याद आई। वो अक्सर कहा करते थे, Often small happiness brings a huge smile on our face। हालांकि दादा की कही हुई ये बात मुझे कभी भी पूरी तरह से समझ तो नहीं आई थी, लेकिन आज I can relate with this। जिस तरह वो छोटा बच्चा अपने पापा के साथ ना जा पाने के उस गम को भूलकर मेरी दी हुई उस टॉफी को देखकर इतना खुश हो गया था, उसी तरह मुझे भी अपनी पिछली यादों को भूलकर जो खुशी मुझे अभी मिल रही है उसे महसूस करना चाहिए। शायद ये बात मैं भूल चुका था कि जिंदगी एक लंबे सफर की तरह है। अंग्रेजी वाला SUFFER वो सफर नहीं, हिंदी वाला सफर, वही सफर जिसमें आगे बढ़ना तो जरूरी है ही, लेकिन कभी कभी रुकना भी जरूरी है। कभी कभी आगे की योजनाएं बनाने के बजाय कुछ हसीन लम्हों को याद करके मुस्कुराया जाए। अगर कभी इस सफर में पीछे जाकर कुछ बिछड़ गए लोगों को साथ लाना पड़े, कुछ
बिखर गए लम्हों को साथ जोड़ना पड़े तो इसमें भी कोई बुराई नहीं। जिंदगी कोई रेस या कोई मैराथन नहीं जिसमें अव्वल आना है। जैसा कि मैंने कहा, ये एक लंबा सफर है जिसमें बस आखिरी सांस तक टिके रहना है। सो एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से, इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ लेट अस प्लांट आवर रूट्स इन स्मॉल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, बिकॉज अल्टीमेट गोल इज हैप्पीनेस। इंडीड